लोगों को बहुत तकलीफ है, महंगाई भी बहुत, खाना वाना खाना पीना बहुत मुश्किल हो रहा है, काम धंधा है नहीं, मजदूरी करते, कोई बर्तन घिस के लाते तो खाना खाते नहीं, हो तो एक दिन एक टाइम खाते, क्या करें। क्या लग रहा है 27 सालों में परिवर्तन होना चाहिए, दूसरी पार्टी को लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए नहीं। क्या महंगा कर दिया सरकार ने? सब्जी साग भाजी हर चीज गैस सिलेंडर सब महंगा कर दिया है मोदी सरकार, सबको डुबा दिया गरीब आदमी को, अमीर आदमी अमीर ही है। आम बात है, झाड़ू वाला ही वो कम कर सकता है और कोई नहीं। झाड़ू वाले पे भरोसा है आपको? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के सुभाष नगर में, जहां से हम आपको गुजरात चुनाव की स्पेशल कवरेज दिखाएंगे। अक्सर सरकार पर सवाल उठता है कि देश में बहुत महंगाई है और सरकार इससे इनकार करती है और ये कहती है कि देश में महंगाई नहीं है बल्कि ये कांग्रेस का बनाया हुआ माहौल है। हम ये जानने के लिए कि क्या वाकई महंगाई है, हम एक मार्केट में पहुंचे हैं और यहाँ पे तमाम लोग हैं जो हमें बताएंगे कि माहौल कैसा है, क्या जमीनी स्तर पर वाकई महंगाई है, क्या देश में बेरोजगारी है, क्या गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं या फिर ये कांग्रेस का बनाया हुआ माहौल है। भीखा भाई मेरा नाम। भीखा भाई आपको क्या लगता है, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है ना, महंगाई है। सरकार संसद में बोलती है महंगाई है ही नहीं, महंगाई बहुत है, महंगाई है। क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा है चुनाव का गुजरात? अरे लोगों को बहुत तकलीफ है, महंगाई भी बहुत, खाना वाना खाना पीना बहुत मुश्किल हो रहा है, काम धंधा है नहीं। बीजेपी सरकार में विकास हुआ है? विकास हुआ है, काम आम हुआ है कुछ? काम धंधा पानी नहीं है, लोगों पब्लिक घर पे बैठी है सब, पब्लिक घर में। आप कुछ कह रही थी बाटला महंगा हुआ है? महंगा हुआ है बाटला, 1100 रुपये बाटला हो गया है अभी, अभी तो कहाँ से लाएंगे गरीब लोग। पहले आपको कितने का मिलता था? पहले 700 में मिलता था, 550 में मिलता था। तो प्रधानमंत्री तो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया है ना? तो दिया है तो क्या करने का, क्या करने का, अभी नहीं हो तो लकड़ी लाके बांटनी पड़ती है, पैसे हो का तो उस योजना का कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये देखो नहीं, हम भी तो इतना पेंसिल का ठिकाना सब कागड़िया ले लेते, हमारे घर में पंखे पड़े नहीं दिखता है, हम मजदूरी करते हैं, बर्तन घिस के लाते तो खाना खाते नहीं, हो तो एक दिन एक टाइम खाते, क्या करें। आप वोट डालते हैं? कहाँ रहते हैं? हम यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं हम। नेता वगैरह नहीं आते बीजेपी के चुनाव? सब आते, सब यहाँ आते हैं वोट लेने के लिए, सब आते, हमारी मर्जी पड़े उनको दे नहीं दे तो बैठे रहेंगे क्या वोट के बाद नहीं। इस बार क्या लग रहा है फिर, कैसा माहौल है, किसको वोट देंगे? बीजेपी के नेता तो आते नहीं, अभी जो अच्छा करेगा उसको देंगे, भाव कम करेंगे, भाव पहले कैसे कम करेंगे, आप किसी सरकार को लाएंगे तभी तो भाव कम करेगा। पर उसको तो किस पे भरोसा है, कांग्रेस आम आदमी भरोसा कैसे आए कि भाई भाव इसमें कम हुआ है उसको हम देंगे, भाजपा के राज में कम नहीं हुआ। हाँ ऐसे बोल बोल के सब चले जाते हैं, हम किसको दे, किसी का ठिकाना है नहीं, 250 भी। क्या नाम है आपका? नाम क्या? सुरेश भाई, धुरा भाई दंतानी। सुरेश भाई बताइए क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार दोबारा आएगी या नहीं आएगी? अभी क्या मालूम, मुझे क्या मालूम, अभी सस्ता करो तो हम लाएंगे, अभी महंगाई बहुत ज्यादा है। हाँ तो क्या करेंगे गरीब लोग, क्या करेंगे? सब्जी 40 रुपया सब्जी, क्या 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 खाएंगे? ये 40 रुपये का आप भी लिया है, खाएंगे क्या? ये 40 रुपये का सामान आपने लिया है, क्या करने का? महंगा मिलता है, क्या करें? 50 रुपया कमाने का नहीं, और काम धंधा आपका चल रहा है सही से? नहीं चल रहा, कहाँ से चले, काम नहीं चल रहा है, लो दो 300 रुपये की नौकरी हम जाएंगे। नौकरी वगैरह आपकी नहीं है यहाँ पे, कौन सी नौकरी होगी? कोई नौकरी नहीं है भाई, मजदूरी वाले। कैसे मजदूरी करते हैं, रोज मिल जाती है मजदूरी? रोज मिलती होती तो क्या करने का, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता ना, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, नहीं मिलती है, कहाँ से खाने का, 5-5, 6-6 बच्चे का पूरा कहाँ से करने का? आप सब्जी लेने आए हैं? नाम क्या है आपका? वीना। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है ना, पहले सस्ते मिलते अभी मुगा मिलता है, अभी बहुत महंगा है। हाँ ना, गैस सिलेंडर के दाम पहले 500 में मिलते थे, अभी 1200 हो गया, 1200 हो गया। हाँ क्या लगता है सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर रही? नहीं कर रही है, सब ज्यादा चलता है, महंगाई बढ़ती जाती है, ज्यादा ही महंगाई बढ़ती जाती है। किसको लाएंगे फिर इस बार गुजरात में? भाजपा सरकार है वो तो कहती है हमने गरीबों के लिए बहुत अच्छा किया, हम बोल रहे है कि हम सस्ता कर रहा हूँ भाई, मैं और दोगे ऐसी नहीं दोगे, मतलब जो सस्ता करेगा उसको वोट देंगे। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गंगा है। महंगाई है गुजरात में? नहीं है, है। मोदी जी कहते हैं महंगाई है ही नहीं है, बहुत है महंगाई है। तो क्या लगता है गुजरात में किसकी सरकार बन रही है, कुछ है? पहले अच्छा चल रहा है, अभी क्या वोट किसको करेंगे आप, वोट करते हैं भाजपा? मोदी को देते हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं मोदी राज में महंगाई बहुत ज्यादा है।
हाँ बहुत महंगाई ज्यादा है। क्या लग रहा है 27 सालों में परिवर्तन होना चाहिए, दूसरी पार्टी को लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, बदलाव चाहिए आपको? मैं और लोगों के पास जाऊंगा। आपका नाम क्या है बॉस? रत्नेश भाई। रत्नेश भाई, रत्नेश भाई बताओ महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है। महंगाई है हाँ। क्या महंगा कर दिया सरकार ने? सब सब्जी साग भाजी हर चीज गैस सिलेंडर सब महंगा कर दिया है। पहले क्या सस्ता था? पहले सस्ता था, अभी हर भाव हर चीज का भाव अभी सबको डुबा दिया है एकदम। क्या कर दिया मोदी सरकार ने? मोदी सरकार सबको डुबा दिया, गरीब आदमी को, अमीर आदमी अमीर ही है। वो तो कहते हैं हमने गरीबों की आमदनी दोगुनी कर दी है, कुछ नहीं किए शायद, सब भीख मांगने जैसे हो गए एकदम, ऐसा हो गया है। घर में क्या करेंगे बताओ, गरीब आदमी परेशान है कुल मिलाकर। हाँ बस 27 साल से बीजेपी जीत कैसे रही है गुजरात में? अब वो तो बड़े लोग की वजह से जीत रही है, भिखारी तो भिखारी देख रहे हो कैसे रोड पे घूम रहे सब आदमी। आपको क्या लगता है गरीबों के लिए सरकार नहीं सोच रही है, अमीरों के लिए सोच रही है? गरीब आदमी को फायदा नहीं हो रहा है, गरीब आदमी को कोई एक रुपए का फायदा नहीं हो रहा, बस वही जो 2000 दे रहे वो किसान लोग को बस वही फायदा हो रहा है, और किसको फायदा हो रहा है बताइए मेरे को? बस वही किसानों को जो किस्त मिल रही है बस है। और क्या है? कल हमको केला नहीं खिलाता, 10 रुपया देता हूँ तो एक केला देता है, वो भैया को 10 रुपया देता हूँ तो एक ही केला देता है, 10 का 1 केला यानी कि एक केला 10 रुपए का देता है भैया। और कितने चाहिए तुमको? एक डजन 5-10 रुपए का 3 केला आते हैं, 10 का 3, तो वो 1 क्यों देते हैं? क्या पता, 2 लूट मार कर लेते हैं, मतलब महंगाई है। हाँ महंगाई है, बहुत हो गई है। बाद में ये बहन आटा लेके जा रही है, आटा बहुत महंगा है। चलो मैं और लोगों से बात कर लेता हूँ, है ना? नहीं हम जी बात करो, ये बहन महंगाई और लोगों से भी कर लेने दो यार। बॉस बच्चा आप पे आरोप लगा रहा है, कह रहा है 10 का 1 केला देते हैं। अभी यार 10 का 5 केला दिया अभी मैंने। वो बच्चा चलो कोई नहीं, आप ये बताइए गुजरात सरकार कैसी लगती है? अच्छी लगती है। काम हुआ है सरकार में? काम हुआ है, काम होता है ना, सरकार काम करती है तो काम तो होगा, पर थोड़ी महंगाई को लेकर सवाल उठते हैं। महंगाई बढ़ जाएगी है, बढ़ गई है बहुत महंगाई। और गैस का बोतल है ना जो 1000 में मिलता, अभी 1200-1300 रुपए हो गया। किसको लाएंगे इस बार गुजरात में? जो आते वही को लाएंगे ना। भाजपा को लेके आओगे या फिर क्या चाहते हो, कोई और पार्टी आए? कोई अच्छी पार्टी आओ तो अच्छा, कोई भाव घटाने वाला है। भाजपा ने महंगाई कर रखी है, मतलब कोई गरीबों के लिए देखने वाला आना चाहिए जो महंगाई कम कर सके। कौन लगता है महंगाई कम कर सके? आम आदमी पार्टी है, झाड़ू है, कांग्रेस से कौन लगता है? आम पार्टी है, झाड़ू वाला ही वो कम कर सकता है और कोई? झाड़ू वाले पे भरोसा है आपको? मौका देंगे आप? देंगे ना, आएगा तो मौका देंगे।